शास्त्र कहता है सकल दुख की निवृत्ति के लिए एकमात्र औषधि है भगवत स्मृति। आओ एक बात बताएं, भागवत के प्रथम श्लोक का अर्थ बताएं और ध्यान से सुनना है आपने। जितने भी जीवन में आपके कष्ट आए हैं, एकमात्र उनका कारण आपका अज्ञान है और कुछ नहीं है, आपका अविवेक, आपका अविचार, अनभ्यास, आध्यात्मिक विरति, विवेक शून्यता, अथवा तो आपके कर्म का फल है। आप दूसरे के माथे पर दोष मढ़ रहे हैं, तो जो कुछ भी, व्हाट इज हैपनिंग, जो कुछ चल रहा है आपके आसपास, पता है कौन है इसका कर्ता धर्ता? आप खुद हैं और कोई नहीं है। जो कुछ चल रहा है कर्ता धर्ता कौन है? आप खुद हैं और कोई नहीं। तेजो वारि मृदाम विनमयो यत्र सर्वभूमिषु धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं। जीवन में जितने दुख हैं, जीवन में जितनी भी हानि हुई है, कभी पराजय हुई है, कभी अपयश मिला है, जीवन में कभी हानि हुई हो, अपयश मिला हो, दुख मिला हो, कुछ ऐसा हुआ हो जो जिसे आपने अच्छा नहीं समझा है, ऑल बिकॉज ऑफ यू, वो आपके कारण हुआ है और दूसरे कारण है, उसमें आपका अज्ञानता, आपका आलस्य, आपकी जड़ता, आपका अविवेक, आपका विचार अविचार, अनभ्यास, आध्यात्मिक अनभ्यास, विवेक शून्यता, शील का अभाव, अथवा तो आपके दुष्कर्म पाप कर्म। और इनका शमन कैसे होता है? फिर एक ही उपाय है और वह भगवद स्मृति, नारायण स्मृति ही, एतावान सांख्य योग्याभ्याम आदि नारायण स्मृति।